हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी सेटअप। जैसे कि हर नया दिन नई चीजों के साथ आता है, वैसे ही मैं लेकर आ गई हूँ फाइनली कल के बिग बॉस के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स। सो देयर वी गो। नंबर 1, दीपिका के बॉसी नेचर से घर वाले जरा खफा नजर आए। यस, जहाँ बात मैं करूँ अगर जसलीन की, तो वो बार बार ये कहती नजर आई कि दीपिका का नेचर शायद काफी ज्यादा बॉसी है, जो कि मुझे नहीं पसंद। और वहीं अगर मैं बात करूँ निर्मल और रोमिल की, तो उन्होंने भी यही कहा कि दीपिका का नेचर बॉसी नजर आ रहा है। वो हर किसी से घर में अपना काम करवा ही लेती है, बट अगर बॉसी नेचर है भी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। रादर ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा सकता है। बट यस, घर वाले, इनफैक्ट सभी घर वाले ये कहते नजर आए कि दीपिका का नेचर काफी बॉसी है। नंबर 2, जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है, हम पूल का फन कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। चाहे बात हो वो रोशनी की, या फिर बात हो अनूप जी को इम्प्रेस करने के लिए रोशनी के पूल में उतरने की, या फिर कल के पूल मस्ती की। यस, बात अगर करें कल के एपिसोड की, तो कल का वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स बना कृति और शिवाशीष की पूल मस्ती, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी डांट भी पड़ी। लेकिन गाइस, घर के एनवायरमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है सभी कंटेस्टेंट्स एक एक करके पूल में उतरने ही वाले हैं। नंबर 3, जैसा कि हर सीजन में बिग बॉस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये दिखाते हैं कि घर वालों ने क्या क्या रूल्स तोड़े हैं, यहाँ तो दूसरे ही हफ्ते में बिग बॉस की डांट पड़ी सबको। यस, बात अगर की जाए कंटेस्टेंट्स के सोने से लेकर उनके माइक ना पहनने तक, यहाँ तक कि माइक पहन के पूल में मस्ती करने तक, बिग बॉस हर चीज की डांट उन्हें लगाते नजर आए। यहाँ तक कि सभी घर वालों को उनके फुटेजेस भी दिखाए गए कि कहाँ कहाँ सारे कंटेस्टेंट्स ने रूल्स तोड़े हैं। मुझे लगता है इस बार के कंटेस्टेंट्स दे डेफिनेटली बिलीव दैट रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। नंबर 4, कल के एपिसोड की पूल मस्ती के बाद और कैप्टन होने के बावजूद की गई सारी शैतानियों के बाद, और साथ ही साथ बिग बॉस द्वारा डांटे जाने पर, जब कृति और रोशनी हंसती हुई नजर आई और कृति सिचुएशन को काफी लाइटली लेके नजर आई, विच वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड कैप्टन। लेकिन इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए बिग बॉस ने कृति और रोशनी दोनों से ही उनकी कैप्टनसी की एक मेन और अहम पावर छीन ली। यस, और वो पावर थी की घर के नेक्स्ट नॉमिनेशन टास्क में, जहाँ की कैप्टन से हो जाता है एक हफ्ते के लिए, वो पावर कृति और रोशनी दोनों ने ही खो दी। यस, इसलिए बिग बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर में आए नॉमिनेशन टास्क के बाद सबा सोमी कृति और रोशनी के बीच में हुआ एक बड़ा घमासान। यस, और वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ये दिखाया गया था, जब फर्स्ट कैप्टनसी टास्क हो रहा था, तो सबा और सोमी को कृति और रोशनी ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो अपने कैप्टनसी फेज में कभी भी ऐसी सिचुएशन में आती है कि उन्हें किसी जोड़ी को या किसी सिंगल्स को सेव करना पड़े, तो वो डेफिनेटली सबा और सोमी को ही सेव करेंगी। लेकिन कल के एपिसोड में दिखाई दिया उनका ये झूठा चेहरा। वो इसीलिए बिकॉज उन्होंने सबा और सोमी को प्रॉमिस करने के बावजूद कंसिडरेशन में भी नहीं लिया उनको, और उन्होंने कंसिडर किया सेव करने के लिए शिवाशीष और सौरभ, और साथ ही दीपक और उर्वशी को। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं सबा और सोमी का गुस्सा वैलिड था कि वादा करने के बावजूद लास्ट मोमेंट पर आकर वो दोनों ही मुकर गए। दोस्तों, ये थी कल के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स। और बिग बॉस से रिलेटेड बाकी सभी गॉसिप्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू मूवीज अड्डा एंड सब्सक्राइब।